हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डोरेमोन का लास्ट एपिसोड। हाँ गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, असली में हम जानेंगे डोरेमोन का लास्ट एपिसोड। और हाँ गाइस, मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा लोगों का फेवरेट है ये कार्टून। और गाइस, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं डोरेमोन का लास्ट एपिसोड। और हाँ गाइस, अगर आपने देख लिया है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, वीडियो को पूरी देखना गाइस, कुछ नया देखने को मिलेगा। चलो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सो गाइस, स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि जो हमारा नोबिता है वो स्कूल से पढ़कर घर पर आया होता है, और गाइस रास्ते में जियान होता है, उसने उसकी पिटाई कर दी होती है। इसके कारण जो हमारा नोबिता है रोते रोते घर पर आता है और डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाने लग जाता है। जब गाइस डोरेमोन रिप्लाई नहीं देता तो हमारा नोबिता कमरे में जाकर देखना चाहता है कि डोरेमोन कर क्या रहा है। तो गाइस डोरेमोन कुन्ने में देख रहा था पता नहीं क्या। जब गाइस नोबिता उसके पास जाता है डोरेमोन के, तो वो देखता है कि जो डोरेमोन की आंखें हैं वो एकदम सफेद हो चुकी हैं और वो मतलब कोई हरकत भी नहीं कर रहा है, एकदम शांति से बैठा है। तो गाइस जो हमारा नोबिता है वो डोरेमोन को हिलाने की कोशिश करता, मतलब उठाता है, वो तो भी उठता नहीं है। थोड़ी देर बाद उसका आंसू गिरता तो गाइस डोरेमोन थोड़ा सा खड़ा हो जाता है और चलने लग जाता है। फिर गाइस वो बताता है कि जो मेरी बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। तो गाइस नोबिता हंसने लग जाता है और कहता है चलो फ्यूचर में चलते हैं और नई बैटरी डलवा के आते हैं। अभी गाइस रुको रुको, अभी गाइस वीडियो छोड़कर मत चले जाना। अगर आप यहीं पर वीडियो को छोड़कर चले जाओगे तो इंटरेस्टिंग पार्ट देखना ही भूल जाओगे और गाइस आप कभी पता ही नहीं लगा पाओगे कि आखिर सच में डोरेमोन का लास्ट एपिसोड क्या था। सो गाइस वीडियो में बने रहो और आखिरी तक देखो और मैं भी अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। फिर गाइस जो हमारा डोरेमोन है थोड़े से दुख के साथ बोलता है कि नोबिता मेरी बैटरी तो डल सकती है। फिर गाइस नोबिता बोलता तो चलो, फिर दोबारा डोरेमोन बोलता मेरी अगर बैटरी डल गई नहीं तो मैंने जो भी तुम्हारे साथ दिन बिताए हैं, यादें जो भी हमने इकट्ठा करी हैं वो सभी मैं भूल जाऊंगा और मैं ये सब होना नहीं चाहता। तो गाइस नोबिता बोलता है कि और कोई रास्ता नहीं है। तो गाइस डोरेमोन बोलता है नहीं। फिर गाइस थोड़ी देर बाद ही जो हमारा डोरेमोन है वो डेड हो जाता है, मतलब जितनी थोड़ी सी बैटरी बची थी वो भी यूज़ हो जाती है। और फिर गाइस जो हमारा नोबिता बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, लेकिन गाइस अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारा डोरेमोन है उसकी स्पेयर पॉकेट सब कुछ बंद हो गया और जो टाइम मशीन थी जो उसके डेस्क में थी वो भी बंद हो गई। अब गाइस जो नोबिता है वो फ्यूचर में भी नहीं जा सकता है। अब गाइस जो हमारा नोबिता है वो अपने सपने से जाग जाता है। हाँ गाइस, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, हमारा नोबिता सपने में ये सब देख रहा था। और गाइस फिर जो हमारा नोबिता है मम्मी मम्मी चिल्लाने लगता है। अभी जो हमारा नोबिता है वो बिस्तर पर डला रहता है, उसको कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकता है मम्मी के बिना। उसकी मम्मी सारा उसका काम करती है और वो बिस्तर पर ही डला रहता है। और गाइस ये सब नोबिता अपने सपने में देख रहा था। तो गाइस ये होगा हमारा डोरेमोन का लास्ट एपिसोड। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया जाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।